हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। धनश्री एकेडमी से मैं निमिष सर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूं जो कभी कभी सोच के ये लगता है कि ये चीजें काम कर रही है या नहीं कर रही है, नहीं कर रही या कर रही है, ऐसे कुछ हमें कंफ्यूजन हो जाता है। जब हम बाजार को देखते हैं तो हम ज्यादातर ऐसी कंपनियों को इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं जिसका ईयर ऑन ईयर बिजनेस चालू है, बिजनेस अच्छा हो, बिजनेस में ग्रोथ हो, उसका पी आपको सस्ते में मिले। ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग देखते रहते हैं। रेवेन्यू क्या हो रही है, प्रॉफिट क्या हो रहा है, क्या चीजें, ये सारी चीजें हम लोग बहुत सारी चीजें को देख के फिर हम डिसीजन लेते हैं। बट एक सामान्य से सामान्य इंसान भी होगा, उसे ये पता होगा कि कोई कंपनी अगर नहीं चल रही है, बंद पड़ गई है, तो उसके शेयर नहीं लेना चाहिए और वो शेयर्स कभी भी मूव नहीं होगा। ये तो सभी को पता है कि कंपनी बंद ही हो गई है जिसमें कोई ऑपरेशनल एक्टिविटीज नहीं हो रही है, तो उसका शेयर्स कैसे बढ़ेगा, उसमें कोई हलचल ही नहीं है, तो कहाँ से प्रॉफिट आएगा और कहाँ से शेयर होल्डर को कुछ मिलने वाला है और कैसे शेयर भागेगा। ये तो एकदम आम आम बात है। तो आज मैं ऐसी एक केस स्टडी आपके सामने रख रहा हूँ जो दो कंपनियों के बीच में है। एक कंपनी ऑपरेशनल अभी ठीक ठाक चालू है, चल रहा है, एंड अभी COVID-19 के बाद भी, बाहर आने के बाद गवर्नमेंट ने उसे परमिशन भी दी है और चल रहा है, बिजनेस उसका रनिंग में है एंड कंपनी ऑपरेशनल है। और एक कंपनी टोटली डेड हो चुकी है, उसमें कोई ऑपरेशनल एक्टिविटीज नहीं है और फिर भी उसका शेयर्स भागते जा रहा है। और देखने वाली बात तो ये है कि जो ऑपरेशनल कंडीशन में जो कंपनी चल रही है उसका शेयर्स की प्राइस नीचे चल रही है, और जो कंपनी डेड है जिसमें ऑपरेशनल एक्टिविटीज कुछ भी नहीं हो रही है उसका शेयर्स का प्राइस ऊपर चल रहा है। और मार्च के बाद वो क्यों भागने लगा वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए, मैं कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, आज मैं आपको कुछ केस स्टडी बताता हूँ, आइए देखते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे दो कंपनी आपके सामने मैंने चार्ट में ओपन करके रखी है। एक है जेट एयरवेज, एक है जेट एयरवेज और दूसरा है स्पाइस जेट। सो दो कंपनी को मैंने यहाँ पे रखा है। स्पाइस जेट रेड में है और आप देख सकते हो जेट एयरवेज इंडिया ये ब्लू में है। अब दोनों का हम कंपैरिजन यहाँ पर देखते हैं तो ये एक साल का डाटा है और आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो लो है 24 मार्च का, यहाँ पर आप देखेंगे तो 23 मार्च का भी देख लेते हैं। सो 23 मार्च को जेट एयरवेज 15 रुपये 10 पैसे पे अवेलेबल था, मतलब 43% माइनस में था। और यहाँ पर देखिए स्पाइस जेट, स्पाइस जेट 33 रुपीज 50 पैसे पे था 23 मार्च को। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे 15 रुपये पे जेट एयरवेज था और स्पाइस जेट 33 रुपये पे था। और इस तरह से देखिए आगे बढ़ा आगे बढ़ा, यहाँ पर देखिए स्पाइस जेट 51 रुपये हो गया और जेट एयरवेज 27 रुपये पे ही था। और आगे देखिए साइडवेज चला, साइडवेज चला, साइडवेज चला, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया था COVID-19 में और एयरलाइंस वगैरह सारी क्लोज डाउन थी, उनको ऑपरेशनल परमिशन नहीं थी तो नहीं हुआ। बाद में ये परमिशन मिलने के बाद ये बिजनेस उनका शुरू हुआ अक्टूबर महीने में। देखिए 15 तारीख के बाद ये देखिए 47 हो गया और जेट एयरवेज 42 पे ही था। और फिर आगे देखिए यहाँ पे 49 हो गया स्पाइस जेट और फिर बूम आया ये नवंबर में, एयरलाइन शुरू हो गई और उनका बिजनेस धीरे धीरे स्टेब्लिश होने लगा। और देखिए 54 से स्पाइस जेट 74 हो गया और उसी तरह से जेट एयरवेज भी 58 हो गया, जबकि उसमें कोई ऑपरेशनल एक्टिविटीज इस वक्त नहीं है। और आप सभी को पता है पिछले 2 साल में जेट एयरवेज में बहुत ही दिक्कत हो गई, उनके पायलट्स को, ग्राउंड स्टाफ को, टिकटिंग स्टाफ को, सारे स्टाफ को पेमेंट तक उन्होंने ठीक से नहीं चुकाया, सेटलमेंट की भी उनको दिक्कत हो गई थी और एयरलाइंस को बंद करना पड़ा था ऑपरेशन, और कुछ रेवेन्यू भी नहीं हो रही थी। और आगे देखिए जेट एयरवेज देखिए यहाँ पे 68-70 पे चला गया, स्पाइस जेट 94 पे, और देखिए कमाल हो गया यहाँ पे, स्पाइस जेट 105 पे आ गया और जेट एयरवेज यहाँ पर देखिए ये 105 पे जेट एयरवेज भी चला गया। ये देखिए ये है 17 दिसंबर 2020, 17 दिसंबर को जेट एयरवेज 105 रुपये 0.35 पैसे पे है
और यहाँ पे देखिए कमाल, स्पाइस जेट 101.55 रुपये पे है। मतलब जो ऑपरेशनल जिसका बिजनेस अभी शुरू है वो 101.55 पे चल रहा है और जेट एयरवेज 105 रुपये पे चल रहा है। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जेट एयरवेज यहाँ पे जो एकदम बॉटम बनाया था, यहाँ पर ये 13 रुपये 85 पैसे का ये जो बॉटम बनाया था मार्च में, 26 मार्च को, आप देखिए 13 रुपये 85 पैसे का, वहां से 105 रुपये हो गया। तो ऐसा तो जेट एयरवेज में ऐसी तो क्या खबरें आ गई है, या ऐसे किसका पर्सनल इंटरेस्ट आ गया है कि ये शेयर इतना भाग रहा है। और सामने स्पाइस जेट तो अभी काम कर रही है, ऑपरेशनल है, लेकिन फिर भी उसका दाम नीचे चल रहा है गाइस। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे खुद की सोच से बाहर की हो सकती है। हो सकता है इसमें जो ऐसी कोई खबर हो जो मुझे पता नहीं है या आपको पता नहीं है, बट ये ट्रूथ है कि एक एयरलाइंस ऑपरेशनल मैनेजमेंट कर रही है, चल रही है, उसका प्राइस नीचे है, और एक ऑपरेशनल एक्टिविटीज नहीं कर रही है, उसका दाम जेट एयरवेज का ऊपर है। देखिए ये आपके सामने है, तो गजब की कहानी है कि एक कंपनी चल रही है, ऑपरेशनल चला रही है, उसका शेयर नीचे है, और जिसका ऑपरेशनल बिजनेस एक्टिविटीज बंद है वो नीचे है गाइस। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है स्पाइस जेट का। स्पाइस जेट का यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, आप देख सकते हो मार्च 2009, 10, 11, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक का यहाँ पे देखिए ये सेल्स है उनका, ये सारे फिगर करोड़ में है। और 12,359 है 2020 का, और मार्च 19 का देखिए 9,113 है। तो इस तरह से इनका डाटा अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये है स्पाइस जेट का गाइस। तो यहाँ पे ऑपरेशनल एक्टिविटीज उनका सेल्स हो रहा है और एक्टिविटीज हो रही है। अब देखिए ये डाटा आ चुका है जेट एयरवेज का। तो जेट एयरवेज ने ये जो साइट है यहाँ पे तो अभी तक कुछ पोस्ट ही नहीं किया। लास्ट उनका पीएनएल था वो था 2018 तक, 2017, 16 ये सब था, लेकिन 2018 के बाद तो उन्होंने कोई भी चीज यहाँ पे पोस्ट ही नहीं की है अपना प्रॉफिट एंड लॉस। और स्पाइस जेट का आपने देखा कि प्रॉफिट लॉस भी वहां पर दिखाया गया था, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई प्रॉफिट लॉसमेंट का कोई स्टेटमेंट ही अवेलेबल नहीं है गाइस। आपने देखा कि एक वर्किंग एयरलाइंस है, उसका शेयर नीचे चल रहा है, और एक एयरलाइंस जो वर्किंग में नहीं है और उसका शेयर्स ऊपर चल रहा है। और कहते हैं ना कि कभी बहुत सारी चीजों को हम जानते हैं, सीखते हैं, करते हैं, दिमाग में उतारते हैं, बट कुछ कुछ केस स्टडी में ऐसा होता है कि वो हमारी समझ से बाहर की हो सकती है। तो गाइस ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल केस स्टडी है जो इस तरह की होगी कि जहाँ पे कंपनी की रेवेन्यू घट गई है, सेल्स नहीं है, बट फिर भी उसके शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, ऐसा हो सकता है। और कभी कभी तो कुछ एसेट अनलॉक होती है, ऐसे बहुत सारी खबरें आती है, या पता नहीं किसी का इंटरेस्ट हो, ऐसी तो क्या न्यूज आ गई है, क्या ऐसा कुछ इंटरेस्ट लोगों का जागा है कि जिससे वो 15 रुपये से 105 रुपये तक आ गया। सो ये केस स्टडी थी आपको समझाने के लिए कि हर बार ये जरूरी नहीं है कि कंपनी का बिजनेस सॉलिड हो, फंडामेंटल सॉलिड हो, और वही शेयर्स भागे। आप सोचिए, एक 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 अंदाजा लगाइए कि 15 रुपये का शेयर 105 रुपया हो गया, मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट दिया। जबकि लोग 10-20% साल में मिल जाए उसके लिए राह देखते हैं, 20-25% मिल जाए तो बल्ले बल्ले। लेकिन आपने देखा कि जेट एयरवेज ने कमाल के रिटर्न दिए है मार्च से लेके अभी तक, कहाँ 15 रुपया और कहाँ 105। सो काफी अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर को दिया है, जबकि कंपनी कुछ नहीं वर्किंग एक्टिविटीज कर रही है, मैंने काफी बार आपको बताया, और ऐसे कोई फंडामेंटल भी सॉलिड नहीं लग रहा था, फिर भी देखिए कैसी मूव आ गई। तो एक केस स्टडी है आपको समझाने के लिए। आपको भी इसके बारे में कुछ और पता हो या कुछ जानते हो कि क्यों भाग रहा है ये शेयर और क्यों भागा इतना तेजी से, तो आप कमेंट कर सकते हो गाइस। शेयर बाजार आप सीखना चाहते हैं तो आइए धनश्री अकेडमी में, जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास सिखाते हैं, शेयर बाजार सिखाते हैं। आइए सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। और मेरा मिशन है कि भारत के सभी भाई बहनें
बाजार में आए, सीखे, समझे और मुनाफा कमाए। अदरवाइज विदेशी लोग तो आते हैं और पैसा कमा के चले जाते हैं गाइस। सो अपने लोग आएंगे, बाजार में ट्रेड करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, लंबे समय के लिए कुछ ना कुछ मुनाफा जरूर होगा, लेकिन उसके लिए सीखना जरूरी होता है। मेरा काफी इफर्ट्स रहता है एक वीडियो बनाने के लिए, काफी घंटे घंटे लगते हैं, काफी मेहनत लगती है। मेरा एफर्ट्स आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर से दबाइए ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिले अगली केस स्टडी लाने के लिए, आपको समझाने के लिए, कुछ बातें आपके सामने रखने के लिए। सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट केस स्टडी मैं आपके सामने रख सकूँ। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू। धनश्री अकेडमी, योर मनी योर ड्रीम्स अवर ट्रेनिंग। Join our courses to learn stock, commodities, derivative market. Log on to www.dhanashriacademy.com. Thank you for watching this video.